City. Not the good. वेलकम डियर रॉकर्ट, स्वागत है आपका समैरिटन मूवी में। इस मूवी की शुरुआत में हमें सैम नाम का एक लड़का एक कहानी बताते हुए दिखाया जाता है, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि बहुत सालों पहले समैरिटन और नेमेसिस नाम के दो भाई थे और ये अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था कि दोनों भाई में से कौन बुरा है और कौन अच्छा, और उन दोनों ने अनजाने में बहुत से लोगों को चोट भी पहुंचाई होती है। और फिर एक रात वहां के शहर के लोग उनके घर को जला देते हैं, जिसके कारण उनके माता पिता की मौत हो जाती है। लेकिन दोनों भाई कैसे भी करके बच जाते हैं और अब धीरे धीरे समय के साथ साथ दोनों बड़े हो जाते हैं और समैरिटन एडवोकेट बन जाता है और जस्टिस के लिए लोगों की मदद करने लगता है। पर नेमेसिस अपने माता पिता का बदला लेने के लिए लोगों को मारता रहता है, लेकिन समैरिटन उसको हमेशा रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण नेमेसिस अपनी नफरत और गुस्से से एक हथौड़ा बनाता है और एक पावर प्लांट में जाकर लोगों को मारने लगता है, क्योंकि नेमेसिस को पता होता है कि समैरिटन उसको रोकने जरूर आएगा। और तो वो सोचता है कि जैसे ही समैरिटन वहां पर आएगा तो वो हथौड़े से समैरिटन को मार डालेगा। फिर जब समैरिटन वहां पर आता है तो उन दोनों में खतरनाक फाइट होने लगती है और तभी पावर प्लांट में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, जिसके कारण समैरिटन और नेमेसिस दोनों मर जाते हैं। फिर हमें 25 साल बाद के प्रेजेंट सीन को दिखाते हैं, जिसमें वही सैम नाम का लड़का जो ये कहानी बता रहा होता है वो समैरिटन के बारे में कुछ वीडियो देख रहा होता है और उसे ये विश्वास होता है कि समैरिटन अभी भी जिंदा है। फिर उसकी मॉम बस के लिए कुछ पैसे लेकर वहां से चली जाती है, पर जाते जाते सैम को कचरा बाहर डालने के लिए भी बोल देती है। और जब सैम कचरे को बाहर रखने के लिए जा रहा होता है तो उसको एक जोई नाम का आदमी दिखता है, जो कचरे में से कुछ चीजों को उठा के अपने साथ लेके जाता है। अब अगले सीन में सैम अपने स्कूल से घर वापस आ रहा है तो वो देखता है कि रेंट न देने के कारण ओनर ने उनके घर को लॉक करके बाहर से नोटिस लगा दिया है, जिसके कारण वो बाहर सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बुक पर समैरिटन और नेमेसिस की ड्राइंग बनाने लगता है। पर तभी उसे वहां जोई दिखाई देता है और उनके बीच कुछ बातें होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद सैम का एक दोस्त वहां पर आता है और पैसे कमाने के लिए उसे घर में चोरी करने के लिए मदद मांगता है, लेकिन सैम इसके लिए मान जाता है और वो घर की दीवारों में से सारी वायर्स को चुरा लेते हैं। फिर वो उस वायर्स को बेचने के लिए एक वेयर हाउस में जाते हैं, जहां पर उन दोनों को उस वायर के लिए $40 मिल जाते हैं। फिर तभी तीन लोग कार में से बाहर आकर सैम और उसके दोस्त को एक और काम करने का प्रपोजल देते हैं, पर सैम का दोस्त इसके लिए मना कर देता है, लेकिन सैम इस काम को भी करने के लिए मान जाता है। और फिर वो सभी सैम को लेकर एक शॉप पर जाते हैं, जहां सैम शॉप वाले आदमी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वहां पर वो तीनों दोस्त शॉप में एक शराब का बॉक्स चुरा लेते हैं। पर जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें उनको चिप्स के पैकेट्स मिलते हैं, और जिसको देखकर वो सभी लोग सैम को ब्लेम करने लगते हैं कि तेरी वजह से ये हुआ है, और वो सभी अब सैम से फाइट करने लगते हैं। फिर तभी वहां पर साइरस नाम का आदमी आता है और वो सैम को कुछ पैसे देता है। फिर सैम इन पैसों का प्रयोग करके अपने घर का रेंट क्लियर कर देता है। तभी सैम की मॉम पूछती है कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आए, पर सैम इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और अपनी मॉम से झूठ बोल देता है। वहाँ साइरस और उसके लोगों को बहुत से एक्सप्लोजिव की डिलीवरी मिलते हुए दिखाया जाता है। अब अगले दिन सैम जब रास्ते से जा रहा होता है तो वही तीनों दोस्त जिसकी सैम से पहले फाइट हुई थी वो उसका पीछा करने लगते हैं और उसको पकड़कर खूब मारने भी लगते हैं। पर तभी वहां पर जोई आ जाता है और सैम को उन लोगों से बचा लेता है। फिर उनमें से एक लड़का जोई पर चाकू से हमला कर देता है, पर जोई उस चाकू को अपने हाथों से मोड़ देता है। अब ये देखकर सैम को विश्वास होने लगता है कि जोई ही समैरिटन है, और उसके बाद सैम जोई के घर पर नजर रखने लगता है। और जब सैम दूरबीन से जोई के घर को देख रहा होता है तो उसे जोई की पूरी बॉडी पर जलने के निशान दिखाई देते हैं, जिससे सैम को पूरा विश्वास हो जाता है कि जोई ही समैरिटन है। और दूसरी तरफ साइरस और उसके लोग पुलिस के कपड़े पहनकर पुलिस हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं और वहां पर ब्लास्ट कर देते हैं। पर वो यहाँ पर पैसे चुराने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो यहाँ पर नेमेसिस का हथौड़ा चुराने के लिए आए होते हैं। और जब साइरस उस हथौड़े का यूज करता है तो समैरिटन का घर बैठे उसका अनुभव हो जाता है, और वहाँ सैम एक अल्बर्ट नाम के आदमी के पास जाता है जो एक जर्नलिस्ट है, और उसको बताता है कि जोई ही समैरिटन है। पर वो जर्नलिस्ट सैम की बातों का विश्वास नहीं करता, क्योंकि सैम ने ऐसे पहले भी बहुत बार कहा था कि वो समैरिटन है, ये समैरिटन है, लेकिन उसकी कोई भी बात सच नहीं निकली थी। फिर सैम उसे वो चाकू दिखाता है जिसे जोई ने अपने हाथों से मोड़ दिया था, लेकिन फिर भी अल्बर्ट अभी भी सैम की बातों का विश्वास नहीं करता। और फिर सैम वापस आकर जोई के हर मुंह पर नजर रखने लगता है। फिर जब जोई अपने घर से बाहर जा रहा होता है तो सैम उसके घर के अंदर घुस जाता है, और वहां सैम को एक फाइल मिलती है जिसमें समैरिटन के बारे में सारी जानकारी होती है, और वो उस फाइल को लेकर अपने घर चला जाता है। फिर जब जोई घर आकर देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये काम सैम का ही है, तो फिर वो सैम के घर जाकर उसकी मॉम से बोलता है कि सैम ने उसकी एक फाइल को चुरा लिया है। अब ये देखकर सैम जोई की फाइल वापस कर देता है।
फिर अगले दिन सैम अपनी गलती के लिए जोई से माफी मांगता है और जोई को बोलता है कि उसने फाइल इसलिए चुराई थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम समेरिटन हो। फिर जोई सैम को बताता है कि वो भी उसकी तरह समेरिटन का फैन है और समेरिटन से जुड़ी सारी जानकारियों को वो इकट्ठा करता है और फिर जोई बात करते हुए आगे जा रहा होता है और फिर सैम जोई को बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी कुछ लोग बदला लेने के लिए कार से जोई को टक्कर मारकर भाग जाते हैं जिसके कारण जोई के हाथ और पैर टूट जाते हैं और फिर सैम जोई को देखता है और उसे लगता है कि अब जोई मर गया है। लेकिन तभी जोई अपने आप को हील कर लेता है और ये देखकर सैम बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो बिल्कुल सही था कि जोई ही समेरिटन है। फिर हम देखते हैं कि जोई जल्दी से ऊपर आता है और शवल लेने लगता है। फिर आइसक्रीम खाते हुए सैम को बताता है कि जब भी उसकी चोट लगती है तो वो बहुत ही गर्म हो जाता है और अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो ठंडे शोर में नहाता है और आइसक्रीम भी खाने लगता है। अब रात को दिखाते हैं तो साइरस नेमेसिस का हथौड़ा और मास्क पहनकर शहर में बीच सड़क पर विस्फोट कर देते हैं जिसके कारण वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साइरस उन लोगों में से नेमेसिस के फैन को इकट्ठा करके उन्हें नेमेसिस जैसा मास्क देता है और शहर में लूट मचाने लगता है। और फिर अगले दिन जोई कुछ बेचने के लिए एक पाउन शॉप में जाता है लेकिन सैम भी उसका पीछा कर रहा होता है पर जोई जल्दी सैम को पकड़ लेता है और अपने साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर बाद में जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो सैम बहुत ही उदास होता है क्योंकि उसके डैड की पहले ही मौत हो गई थी जिसके कारण वो अपने आप को बहुत ही कमजोर समझने लगा है। लेकिन जोई उसको समझाता है और उससे उसकी टूटी हुई वॉच लेता है ताकि वो उसको ठीक कर सके। फिर कुछ दिनों के बाद एक सुबह जोई न्यूज देख रहा होता है कि जो लोग शहर में लूट मचा रहे हैं उनका संबंध नेमेसिस से है। तो अब क्या नेमेसिस वापस आ गया है? ये देखकर जोई को बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद सैम जोई से मिलने आता है और उसे फाइट सिखाने को बोलता है। फिर जोई भी इसके लिए मान जाता है और अपनी छत पर उसको बुलाता है। फिर सैम जोई के पेट में एक मुक्का मारता है जिसके कारण सैम के हाथ में बहुत ही चोट लगती है और फिर जोई सैम को अपने घर लेके जाता है और उस हाथ को बर्फ में रखने को बोलता है। अब सैम जोई से उस रात के बारे में पूछता है कि उस रात पावर प्लांट में नेमेसिस के साथ क्या हुआ था और नेमेसिस का नाम सुनकर जोई गुस्सा हो जाता है और सैम को वहां से जाने को बोलता है। अब अगले सीन में जब सैम घर जा रहा होता है तभी वहां पर साइरस आ जाता है और उसे अपने साथ वेयरहाउस में लेके जाता है। फिर साइरस सैम को एक काम देता है कि जब भी उसको कोई पुलिस वाला दिखे तो उसको सीटी मारनी है पर सैम बहुत ही प्रयास करता है लेकिन सीटी मार नहीं पाता और तभी वहां पर दो कॉप्स की कार नजर आती है और साइरस उन्हें कुछ दे देता है। फिर सैम छुपके से वेयरहाउस के अंदर जाता है और वहां साइरस को एक पुलिस वाले को मारते हुए देखता है क्योंकि वो पुलिस वाला साइरस की बात नहीं मान रहा था। अब ये देखकर सैम बहुत ही डर जाता है और वहां से भागने लगता है और फिर सैम देखता है कि सिक्सटन और उसका क्रियू उसके दोस्त को पीट रहे होते हैं। फिर सैम अपने दोस्त को बचाता है और उसे यहां से भागने का बोलता है लेकिन इसी बीच वो सैम का हाथ तोड़ देते हैं जिसके कारण सैम बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग सैम को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें नोटिस होता है कि जोई उनको अपनी विंडो से देख रहा है। अब ये देखकर वो डर के कारण वहां से भाग जाते हैं। फिर जोई सैम को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां साइरस भी नेमेसिस की तरह शहर के पावर प्लांट को उड़ाने के लिए बॉम्ब लगाता है पर तभी सिक्सटन और उसका क्रू वेयरहाउस में आकर साइरस को सारी बात बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कार से जोई को टक्कर मारी थी पर जोई अभी भी जिंदा है। अब ये सुनकर साइरस उससे मिलने को बोलता है। फिर पांच लोग जोई को लेने के लिए जाते हैं पर जोई आने से मना कर देता है जिसके कारण जोई और उन लोगों में खतरनाक फाइट होने लगती है। अब जोई उन लोगों को बहुत पीटता है और ये सब कुछ एक लड़की देख लेती है और वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जोई की वीडियो बनाने लगते हैं। अब ये देखकर जोई फटाफट वहां से भाग जाता है और अपने घर जाकर इस शहर को छोड़ने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी सैम हॉस्पिटल से सीधा जोई के घर जाता है और उसे साइरस की पावर प्लांट में कुछ प्लानिंग करने के बारे में बताता है पर जोई सैम को बोलता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता और ये सुनकर सैम जोई से बोलता है कि तुम भी दूसरे लोगों की तरह बुरे इंसान हो और वहां से चला जाता है। और वहां वेयरहाउस में जब साइरस को न्यूज से पता चलता है कि समेरिटन वापस आ गया है तो वो गुस्से से हथौड़े को उठाता है और टीवी को तोड़ देता है। फिर साइरस अपनी टीम के साथ जोई को पकड़ने उसके घर पर जाता है पर जोई वहां पर नहीं होता जिसके कारण वो जोई के घर पर गोलियां चलाने लगते हैं पर तभी साइरस को विंडो से सैम और उसकी मॉम दिखाई देते हैं और वो अपनी टीम को उन्हें पकड़ने के लिए बोलता है। सैम और उसकी मॉम भागते हुए छत पर चले जाते हैं पर वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और सैम को अपने साथ लेके जाते हैं। फिर हमें एक बस स्टेशन पर जोई को दिखाया जाता है जहां जोई सैम की वॉच को देखकर अपना मन बदल लेता है और वो सीधा सैम के घर जाता है पर वहां जाते ही सैम की मॉम जोई को बताती है कि सैम को साइरस अपने साथ लेके गया है। अब ये सुनकर जोई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक ट्रक में कुछ ऑयल टैंकर लेकर साइरस के पास जाने लगता है लेकिन वहां साइरस के लोग जोई पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं और जोई पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। ये तो हैरानी की बात है। फिर जोई उन लोगों को बहुत ही बुरा मारता है पर फिर साइरस वहां कर नेमेसिस के हथौड़े से जोई को मारने लगता है। फिर तभी जोई साइरस से उस हथौड़े को पकड़ लेता है और फिर हमें इस मूवी का मेन प्लॉट पता चलता है कि
जोय जिसको हम अब तक समैरिटन समझ रहे थे वो रियल में नेमेसिस होता है और उसने ही अपने भाई समैरिटन को उस रात पावर प्लांट में फाइट के समय मार दिया था। फिर जोय अपने साथ ट्रक में लाए ऑयल टैंकर को ब्लास्ट कर देता है। अब साइरस ये देखकर बहुत ही डर जाता है कि जोय ही नेमेसिस है और वो सैम को लेकर वहां से भाग जाता है और किसी जगह ले जाकर चेन से बांध देता है। अब साइरस अपने लोगों से पूरे शहर को ब्लैकआउट करने के लिए बोलता है। फिर जोय सैम को ढूंढने के लिए वहां के सभी लोगों को मारने लगता है और जैसे ही जोय सैम को ढूंढते वहां पर आता है और उसे बचाने के लिए हथौड़ा नीचे रखकर उसके पास जाता है। तभी वहां पर साइरस हथौड़ा उठाकर जोय पर हमला शुरू कर देता है। अब आग लगने के कारण वहां की सभी चीजें गिरने लगती हैं और अब जोय भी कमजोर पड़ने लगता है। साइरस जोय को नीचे आग में गिराने वाला होता है कि तभी सैम पीछे से एक पाइप तोड़ के साइरस पर हमला कर देता है, जिसको देखकर साइरस सैम को पकड़ के मारने वाला होता है कि जोय ऊपर से आकर उस हथौड़े को साइरस में मोड़कर उसे आग में नीचे गिरा देता है और हर तरफ आग होने के कारण जोय की हालत खराब होने लगती है, जिसको देखकर सैम वहां के एक वाटर पाइप को तोड़कर जोय पर पानी डालता है। और फिर आखिरकार जोय उठकर खड़ा हो जाता है और वो सैम को लेकर बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है और आखिर में नेमेसिस सैम से बोलता है कि अब वो बदल गया है और ये बोलकर वहां से चला जाता है। फिर सैम अपनी मॉम से मिलकर बहुत ही खुश होता है और तभी फिर सैम की वॉच में एक बीप बजती है और वो भीड़ में जोय को देखता है और जोय उसको स्माइल देकर वहां से चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहां पर खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी है और हाँ साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।